हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरा चैनल पे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज मैं बहुत दिनों के बाद बड़ी वाली ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो आज एक स्पेशल दिन है, आज है विश्वकर्मा पूजा। तो हम लोगों के यहाँ पे पूजा होती है, तो हम लोग पूजा में क्या क्या करते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। हम लोग के घर पे पूजा होने वाला है, तो हम लोग भगवान जी की मूर्ति लेके आए हैं। तो आप लोगों को चलिए दिखाते हैं हम लोगों का भगवान जी की मूर्ति। तो ये है भगवान जी की मूर्ति विश्वकर्मा जी के, देख सकते हो। तो कुछ देर बाद पूजा होगी, तो आप लोगों को पूजा की वीडियो भी मैं दिखाऊंगी, देख सकते हो। और यहाँ पे चल रहे हैं धोने का काम। गाइस, विश्वकर्मा पूजा के सबसे पहला और ज़रूरी काम होता है जो भी गाड़ी वगैरह है, बाइक साइकिल, उसको पहले साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही काम चल रहा है, आपको दिखाती हूँ। ये चल रहा है गाड़ी धोने का काम, देख सकते हो। यहाँ पे यह मेरा अंकल तो यहाँ पे ये गाड़ी को धो रहे हैं। और यहाँ पे मेरी बहन, छोटी बहन, कजन सिस्टर, वो भी अपना साइकिल धो रही थी। तो यहाँ पे देखो सब कुछ धो के चकाचक कर दिया है। और भी साइकिल है, वो भी धोएंगे। तो यहाँ पे है और भी साइकिल, इसको भी धोना पड़ेगा, इसको धोने का काम अभी भी बाकी है। तो गाइज मिलते हैं आपके साथ बाद में। तो गाइज अभी मैं बैठ गई हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। यहाँ पे देखो अभी भी कुछ लोग नहीं आए, 3 लोग ही आए हैं, अभी भी बहुत लोग आने के बाकी है। तो मिलते हैं आप लोगों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद। मेरा अभी ट्यूशन पढ़ाना भी हो गया है, तो अभी मैं अपना घर का सब सफाई करूँगी। तो आप लोग देखते रहो। और बाहर गाना चल रहा है, पता नहीं कॉपीराइट लेगा कि नहीं, तो आप लोग देखते रहो। तो गाइस मैंने अपने रूम की सब सफाई भी कर ली और यहाँ पे मैंने बिस्तर को भी समेट के रखा है। तो इसके बाद मैं अपने रूम की पोछा लगाऊंगी, उसके बाद भी बहुत कुछ काम है क्योंकि आज पूजा है। देखो पूजा के लिए केले के पेड़ लेके जा रहे हैं ये लोग। मैंने अपने रूम की पोछा भी लगा लिया है। और तो चलिए आपको ले चलते हैं जहाँ पे पूजा हो रहा है, वहाँ पे कैसे हम लोग पूजा करते हैं वही आप लोगों को दिखाऊंगी, चलो चलते हैं। तो ये है खेत में पानी देने की मशीन, तो ये मेरा अंकल साफ कर रहे हैं, इसको भी पूजा करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही है खाना, और ये हम लोकल लोकल चूल्हा। तो यहाँ पे मम्मी फ्राई कर रही है बैंगन की फ्राई, ये है करेला फ्राई, और क्या क्या बनेगा देख सकते हो। देखो ये है केले के पत्ते और आम के पत्ते, ये सब कुछ पूजा में यूज होगा, देख सकते हो। देखो यहाँ पे है लोका विश्वकर्मा ठाकुर, यहाँ पे है। और यहाँ पे मेरी छोटी मम्मी, ये है मेरी छोटी मम्मी, ये यहाँ पे अपना दे रही है। गाइस यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है, यहाँ पे दीपू बना रही है चंदन, और यहाँ पे मेरी बहन बना रही है माला, देख सकते हो। और चंदन हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे और अचानक से बहुत जोरों से बारिश शुरू हो गया है, क्या ही बताओ। बारिश के मौसम में कुछ भी ठीक से नहीं होता है, भगवान करे बारिश जल्दी रुक जाएगी तो हम लोगों का पूजा बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग देखो कैसे जोर से बारिश हो रही है, कैसे बारिश हो रही है, इस बारिश में हम लोग कैसे पूजा करेंगे पता नहीं, देखते हैं बारिश कब तक रुकती है। तो मैं नहा धो के भी तैयार हो गई हूँ, लेकिन
बारिश अभी तक दे रही है, पता नहीं ये बारिश कब तक रुकेगी। बारिश रुकते तक हम लोगों को इंतजार करना ही पड़ेगा, कुछ करने को नहीं है। तो बारिश रुकने के बाद ही हम लोग पूजा शुरू करेंगे। अभी बारिश रुक चुकी है और यहाँ पे बारिश रुकने के साथ साथ ही जो भी फ्रूट्स था वो काटने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो देखो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे सब कुछ रेडी कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रूट्स काट रहे हैं और यहाँ पे मेरी एक अंकल है, ये लोग नारियल छिल रहे हैं। तो सब कुछ रेडी करने के बाद ही पूजा शुरू होगा। तो देख भगवान जी के लिए पूरी बेल रहे हैं, पूरी तैयार कर रही है। तो देखो घी से बनाया हुआ पूरी यहाँ पे तैयार ही हो चुकी है। बहुत मैं पूजा नहीं देख पाऊंगी क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है और जो पंडित है वो आने में देर कर रही है, तो मुझे जाना पड़ेगा ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो ट्यूशन जाने से पहले मैंने अपनी साइकिल की पूजा भी कर ली थी, देख सकते हो। फिर मैं चली आई थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए यहाँ पे। मैं ट्यूशन से अभी अभी आई हूँ घर, लेकिन मैं बहुत ही लकी हूँ कि अभी तक पूजा शुरू नहीं हुआ है, मैं पूजा भी देख सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को पूजा दिखाने जा रही हूँ, चलिए। और यहाँ पे जितना सारा मोटर बाइक आप लोग देख रहे हो, ये सब लोग हम लोगों का पड़ोसी का ही है, वो लोग पूजा करने के लिए यहाँ पे रखे है। तो पूजा भी हो गई है दोस्तों, तो हम लोग अभी खाएंगे प्रसाद। तो प्रसाद खाने के बाद हम लोग लंच करेंगे और लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी। ये रहा प्रसाद, देख सकते हो। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो दोपहर का खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा था इसीलिए। तो आज विश्वकर्मा पूजा हुआ, उसके लिए शाम को यहाँ पे कुछ प्रसाद का इंतजाम होगा और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तो मैं आपको नीचे जाके वही दिखाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सब्जी काटने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो ये है परवल और वहाँ पे है आलू, मटर मटर, ये सब कुछ। तो चलो बाहर चलते हैं, सब लोग बाहर क्या कर रहे हैं वही दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी खाना बनाने का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे बन रही है मीट सब्जी। तो हम लोग
खिचड़ी के साथ ये मिक्स सब्जी खाते हैं और ये हम सभी लोगों को बहुत पसंद भी है और ये बहुत टेस्टी भी बनती है। और ये है खिचड़ी, तो प्रसाद पे खिचड़ी और मिक्स सब्जी होगा। फिर मैं बाहर चली आई थी सबको देखने के लिए, तो यहाँ पे आके देखा कि सभी लोग डांस कर रहे थे, देख सकते हो यहाँ पे। अब बाहर पे सभी लोग नाच रहे हैं और रात भी बहुत हो गया है, तो हम लोग अभी खाने के लिए जाएंगे, तो चलिए चलते हैं खाने के लिए। हम लोगों ने प्रसाद भी खा लिए, हम लोगों का डिनर भी हो गया है, तो आज का दिन सच में बहुत ही अच्छे से गुजारा हम लोगों का और पूजा भी बहुत ही अच्छे से हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।